नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा एसके बायोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूं बॉर्डर घाट हंडिया का एक बहुत ही रोचक व उपयोगी जानकारी से युक्त वीडियो। इस पावन स्थल का प्रकृति प्रदत्त और कलात्मक सौंदर्य बेजोड़ है। अनेक आश्चर्यों से भरी पड़ी विंध्य पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले ऊंचे पहाड़ पर स्थित इस बॉर्डर घाट का विशेष महत्व है। भागती दौड़ती जिंदगी से हताश परेशान लोग यहां शांति व सुकून प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में आते हैं और यहां भोजन इत्यादि बनाकर खाते पीते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं समेटे इस बॉर्डर घाट में कोरोना काल के समय लॉकडाउन के दौरान यहां काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने यहां पर आकर काफ़ी आनंद उठाया। बॉर्डर घाट के मार्ग में कई स्थानों पर अनेक सुरम्य व रमणीक स्थल हैं। झरझर झरते झरने, वनस्पतियां तथा जीव जंतुओं की बहुलता यहां पर आने वाले लोगों को रोमांच से भर देती हैं। बॉर्डर नाथ तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, काफ़ी घने पथरीले व दुर्गम मार्गों से होकर चलना पड़ता है, पर इतने के बावजूद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आती। आपते सुस्ताते वो यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाते हैं और यहाँ मौजूद तमाम प्राकृतिक दृश्यों को देखकर काफ़ी आनंदित होते हैं। फ्रेंड्स, बॉर्डर घाट UP-MP के बॉर्डर पर स्थित विंध्य क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। बॉर्डर घाट मध्य प्रदेश के रीवा व उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के मध्य में स्थित है। वैसे देखा जाए तो इसका 90% भाग रीवा जिले में ही पड़ता है, जबकि शेष 10% भाग प्रयागराज जनपद के दक्षिण में स्थित गांव हंडिया के अधीन रहता है। पर यहां आने वाले ज़्यादातर पर्यटक प्रयागराज उत्तर प्रदेश के ही होते हैं, कारण मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध बड़ोखर गांव की समीपता लोगों को यहां आने के लिए काफ़ी प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोज अक्सर लाता रहता हूं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें, ताकि इस जगह का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। नमस्कार।